हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक्स के ऊपर। इन सभी स्टॉक्स को हम लोग नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इंट्राडे के लिए ट्रेड करेंगे। आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी आपको सभी लेवल्स क्लियर होंगे, तभी आपको लॉजिक क्लियर होगा और साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इन बिटवीन में आपके साथ डिस्कस करता हूँ उसको अगर आप नोट डाउन करते चाहेंगे तो धीरे धीरे आपके ट्रेडिंग करियर में इम्प्रूवमेंट में वो काफ़ी ज़्यादा जो है आपको मदद करने वाला है। इसी वजह से हर एक वर्ड को आपको ध्यान से सुनना है, पहले लॉजिक को समझना है। इन केस अगर आप लोग को स्क्रिप्ट नेम दिखने में या फिर जो है लेवल्स को नोट डाउन करने में कोई भी परेशानी आती है तो आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप को भी रेफर कर सकते हैं। वहाँ पर मैं लेवल के साथ साथ स्क्रिप्ट नेम को भी अपडेट कर देता हूँ जिससे कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस लिंक के थ्रू टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑल को भी सेलेक्ट कर लीजिए जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्टॉक्स के ऊपर। सबसे पहला स्टॉक है HDFC बैंक। HDFC बैंक के अगर हम लोग यहाँ पे डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो स्टॉक में एक अच्छा मूवमेंट हुआ था प्रीवियस टू प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो फ्राइडे के सेशन में इस स्टॉक में एक अच्छा मूवमेंट हुआ था। मंडे के सेशन में स्टॉक साइडवेज ट्रेड किया। आज के सेशन में इनिशियली आपको ऊपर ओपन हुआ, उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोगों को एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, बट अगेन स्टॉक जो है आपको ऑलमोस्ट अपने डे हाई पे ही यहाँ पे क्लोज होता हुआ हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अगर हम लोग बात करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में तो स्टॉक का जो आपको क्लोजिंग हुआ है एक ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके क्लोज हुआ है। क्लियरली अगर हम लोग एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करेंगे इस स्टॉक के लिए तो फ्राइडे के सेशन से एक ट्रेंड लाइन के नीचे स्टॉक जो है यहाँ पे आपको ट्रेड कर रहा था। फाइनली आज का अगर क्लोजिंग देखेंगे तो क्लोजिंग कैंडल जो है आपको इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हुआ है। तो इसी वजह से इस स्टॉक को हम लोग नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में बाई साइड के लिए ट्रेड करेंगे। यहाँ पे हम लोग बाई करेंगे 1623 के लेवल के ऊपर निकलते ही इमिडिएटली हम लोग बाई करेंगे। नीचे की साइड इस स्टॉक में जो है हम लोगों का SL होने वाला है 1612 का, तो 11 पॉइंट का हम लोगों का स्टॉप लॉस होने वाला है। पहला टारगेट रहेगा 1634 का, दूसरा टारगेट रहेगा 1645 का। सेकंड स्टॉक है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल के अगर हम लोग डेली चार्ट पे बात करेंगे वापस से स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है, अपने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर भी क्लोज हुआ है। इस स्टॉक में एक अच्छा आपको अप मूव देखने को मिला था, वापस से रिट्रेसमेंट हुआ, स्लो एंड स्टडी स्टॉक अपसाइड मोमेंटम किया और आज के सेशन में देखेंगे तो प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे जो स्विंग हाई था उसके ऊपर क्लोज हो चुका है। एक अच्छा कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, स्टॉक ऑलमोस्ट अपने डे हाई पे ही क्लोज हुआ है, बुलिश मारुबुजु कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो इस स्टॉक में भी हम लोगों का बाई साइड का ही ट्रेड रहेगा। इस स्टॉक के ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे 839 के ऊपर हम लोग इस स्टॉक को बाई करेंगे। नीचे की साइड जो हम लोगों का SL रहेगा 831 का रहेगा, तो यहाँ पे 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट जो है 847 का रहेगा, दूसरा टारगेट 855 का रहेगा। इस केस में यहाँ पे याद रखिएगा जो ऑलमोस्ट अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो लास्ट में कंटिन्यूसली आपको एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम हुआ है, तो इनिशियल टाइम में हम लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ पे स्लगिशनेस देखने को मिल सकता है, उसके बाद ऊपर की साइड मोमेंटम करेगा या फिर अगर डायरेक्ट इसी लेवल पे ओपन होगा तो इस लेवल के ऊपर निकलते ही आप इसको इमीडिएटली बाय कर सकते हैं। थर्ड स्टॉक की बात करेंगे, थर्ड स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प के डेली चार्ट पे अगर बात करेंगे इस स्टॉक ने वापस से 2700 के लेवल पे आपको क्लोज दिया है। इससे पहले जब यहाँ पे क्लोज हुआ था उस टाइम में ही हम लोगों ने इस स्टॉक को सेलेक्ट किया था, बट नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद इस स्टॉक में एक अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। वापस से मंडे के सेशन में स्टॉक ने एक पॉजिटिव कैंडल बनाया, बट आज के सेशन में इस स्टॉक ने क्लियरली वापस से आपको प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। तो इस स्टॉक में भी अगर नेक्स्ट रेसिस्टेंस देखेंगे 2800-2810 का लेवल जो है आपको नेक्स्ट रेसिस्टेंस होने वाला है। तो इसी वजह से इस स्टॉक को हम लोग नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में
बाय साइड के लिए ही ट्रेड करेंगे, लेकिन इस स्टॉक को हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे 2754 के लेवल के ऊपर। तो क्लियरली आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, स्टॉक 2754 के लेवल के ऊपर निकलता है तभी हम लोग बाय करेंगे। नीचे की साइड जो हम लोगों का स्टॉप लॉस होगा 2730 का होगा, 24 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट रहेगा 2778 का, दूसरा टारगेट रहेगा 2800 का। फोर्थ स्टॉक की बात करेंगे अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल के डेली चार्ट के ऊपर अगर बात करेंगे, इस स्टॉक में एक अच्छा हम लोगों को ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक अगर बात करेंगे तो क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉक जो है अगस्त महीने के बाद फर्स्ट टाइम इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया है। इससे पहले जितना भी आपको क्लोजिंग हुआ था, इससे पहले आपको इस लेवल के नीचे ही क्लोजिंग था। फाइनली अगर क्लियरली हम लोग नेकेड आई से भी देखेंगे तो स्टॉक में क्लियरली हम लोगों को इस लेवल पे फर्स्ट टाइम क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी हम लोगों को वीकली चार्ट पे भी बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। इससे पहले भी हम लोगों ने बात किया था, अगर इस लेवल के ऊपर इस वीक में सस्टेन कर जाता है तो फिर इस स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम हम लोगों को ऊपर की साइड देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को हम लोग बाय करेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर बात करेंगे लास्ट के वन आवर में इस स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे। थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट यहाँ पे हो सकता है, 15-20 पॉइंट का एक रिट्रेसमेंट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो जो हम लोगों का एंट्री पॉइंट रहेगा 4610 के लेवल के राउंड रहेगा, 4610-4615 के लेवल के राउंड हम लोग यहाँ पे आपको एंट्री करने वाले हैं। नीचे की साइड जो हम लोगों का इस स्टॉक में स्टॉप लॉस होने वाला है, हम लोगों का एसएल होने वाला है 4580 का। तो स्टॉप लॉस रहेगा 4580 का, एंट्री पॉइंट रहेगा हम लोगों का 4610-4615 का। टारगेट जो हम लोगों का यहाँ पे पहला होने वाला है 4640 का, दूसरा टारगेट 4670 का। लास्ट स्टॉक की अगर हम लोग बात करेंगे, लास्ट स्टॉक है HCLTech की अगर डेली चार्ट में बात करेंगे, स्टॉक फाइनली 1100 के लेवल के ऊपर क्लोज दे चुका है। और इस लेवल के ऊपर स्टॉक यहां पे हम लोग बात करेंगे तो मई मंथ के बाद फर्स्ट टाइम इस लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है। इससे प्रीवियस टू प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में भी हम लोगों ने यहां पे एक मोमेंटम एक्सपेक्ट किया था, लेकिन यहां पे मोमेंटम नहीं मिला। तो इस स्टॉक में अब लोगों को एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। करेंट मार्केट प्राइस पे हम लोग यहाँ पे आपको एंट्री कर सकते हैं। नीचे की साइड हम लोगों का स्टॉप लॉस जो है 1097 का होने वाला है, ऊपर की साइड पहला टारगेट 1110 का रहेगा, दूसरा टारगेट हम लोगों का 1120 का रहेगा। तो आई होप आप लोगों ने सभी लेवल्स को नोट डाउन कर लिया होगा, लॉजिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।